टेक में आप लोग का फिर से स्वागत है दोस्तों। आज मैं अभी आप लोग को दिखाने वाला हूँ रेडमी नोट 7 को कैसे TWRP इंस्टॉल करें। तो चलिए दोस्तों आप लोग को मैं दिखाते हूँ। दोस्तों इसीलिए आप लोग को क्या करना होगा, पहले TWRP को डाउनलोड करना पड़ेगा और आपका जो ADB ड्राइवर है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप लोग अगर इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर लीजिए। मैं अभी आप लोग को दिखाते हुए सी ड्राइव में जाता हूँ। यहाँ पे देखिए ADB ड्राइवर जो है उसमें ओपन करता हूँ। हमने दोस्तों TWRP ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, आप लोग पहले डाउनलोड कर लीजिए। अभी मैं इसमें कमांड लिखती हूँ CMT। उसके बाद दोस्तों आप लोग को क्या करना है, मोबाइल पे चले जाना है, मोबाइल को पासबुक मोड में लाना है। आप लोग को मोबाइल को क्या करना है, पहले मोबाइल ऑफ कर देना है, स्विच ऑफ। उसके बाद दोस्तों आपका जो वॉल्यूम डाउन की और पावर की दोनों को एक साथ दबा के रखना है फास्ट मोड में लाने के लिए। ये फास्ट मोड में आ गया है। अभी मैं USB को कनेक्ट करता हूँ। ये कनेक्ट हो गया है। अभी दोस्तों आप लोग को यहाँ पे कमांड लिखना है फास्ट बोट डिवाइसेस, उसके बाद दोस्तों एंटर कर देना है। यहाँ पे देखिए मेरा जो फास्ट बोट डिवाइस है वो ले लिया है। अभी दूसरा कमांड लिखना है यहाँ पे फास्ट फ्लैश रिकवरी स्पेस। उसका बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने जो रेडमी नोट 7 का TWRP रखा है उसको यहाँ से पकड़ के वहाँ पे छोड़ देना है। अभी दोस्तों एंटर कर देना है। ये देखिए दोस्तों TWRP इंस्टॉल हो गया है।